जिले के वरिष्ठ समाज सेवी नेता व पूर्व अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश माता प्रसाद पांडे के जन्मदिन एवं राजनीति में 50 साल पूरे होने पर समाजवादियों ने धूमधाम से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के अधिकांश जगहों से पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व एवं वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्रियों ने पहुंचकर बधाई देते हुए उनके संघर्षपूर्ण राजनीतिक 50 वर्ष पर प्रकाश डाला। समाजवाद के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश व जनपद से आए हुए कार्यकर्ता व पार्टी के पदाधिकारियों ने माता प्रसाद पांडे को बधाई देते हुए उनकी दीर्घायु के लिए ईश्वर से कामना की। मीडिया से बात करते हुए माता प्रसाद पांडे ने कहा, राजनीति में रहकर मैंने जनता के लिए संघर्ष किया। इटावा विधानसभा ने मुझे 7 बार विधायक बनाया। मेरे ऊपर जो विश्वास किया था मैं उस पर सही उतरा। पूरे जिले में मैंने नदियों पर पुल से लेकर सड़क सहित बहुत विकास किया। अभी मैं 4 साल हूं, जो काम अधूरे हैं उनका पूरा करना मेरी प्राथमिकता है। कैसा रहा था सर? देखिए, पूरा 50 साल हमारा संघर्षों का रहा। उस दिन हम सरकार में रहे तो अच्छा काम किए, जब सरकार में नहीं रहे तो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ते रहे। अब 50 साल पूरे हो गए हैं। अब हमारे मित्र मनेंद्र मिश्रा ने इस 50 साल पूरे होने पर इन्होंने मेरे अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, उसमें मैं आया। अच्छा, अब अंतिम पड़ाव में राजनीति है आपकी, ऐसे कुछ काम जो अधूरे रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो क्या दिल रहा, क्या रहा दिल में जो आप करना चाहते थे नहीं हो पाया? अभी मैं तो विधायक हूँ, 4 साल विधायक रहूँ, तो जो अधूरे काम उसे पूरा करूँगा। प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी उसमें? अब जो काम हमारे छूटे काम प्राथमिकताएं जितनी हमारी है, सबका काम तो शुरू करा दिए। लेकिन वो उसमें जितना हो सकेगा, हम 4 साल हमारा अभी टाइम है, उसमें जितना हो सकेगा हम करेंगे। अच्छा, उपलब्धियाँ क्या रही होंगी? उपलब्धियाँ क्या है इन 50 सालों में आपकी? वो कैसे बताएंगे? क्या उपलब्धियाँ जो 50 साल की राजनीति में आपने किए हैं प्रमुख, वो क्या क्या काम है? देखिए, अपने शासन में लड़के बहुत से नियम बदलवाए हमने, विधानसभा में लड़के बहुत से तरफ सरकार बहुत सी बातों को सरकार के सामने रखा और उस पर सरकार ने विचार किया। दूसरी बात है, हम इस जिले के लिए काम किए, हम अपने जिले के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम किया। हमारे क्षेत्र में हर गाँव में सड़क बनवा दी, हर गांव में बिजली लग गया, हर गांव में प्राइमरी स्कूल खुल गया और पूरे ज़िले में बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई। इसके बाद यहां नौगढ़ में नदियों पर जहां पुल नहीं थे, बड़े बड़े पुल बनवाए, बांसी में पुल बनवाए, सोहरतगढ़ में पुल बनवाए, अपने क्षेत्र में पुल बनवाए, यह सब उपलब्धियाँ तो जानते हो, क्या बार बार पूछते हो? बेरोजगारी भी नहीं पूछोगे?